हे फोक्स, मैं हूं विवेक। स्वागत है आपका मेरे पर्सनल चैनल विवेक अवस्थी पे। सबसे पहले आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, और टू बी वेरी फ्रैंक हेल्थ इज वेल्थ। अगर एक टाइम के बाद ये जो 20 से 40 ईयर का जो एज होती है, इसमें हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, बट इस एनर्जी में हम कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को जो है वो ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके बाद हमको बाद में जाकर दिक्कतें आती हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि आपको अपनी हेल्थ का भी एक लाइफस्टाइल में अपने जो आपकी एक्सरसाइज होती है, रेगुलर योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज, उसको इंक्लूड करना चाहिए। सो जैसा कि आपको पता होगा, मेरे इस पर्सनल चैनल विवेक अवस्थी में मैं शेयर करता हूँ अपनी पर्सनल टिप्स, जो कि मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ अपने ऊपर एंड फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। सो आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा डेली एक्सरसाइज का रूटीन, जिसको आप भी अपना सकते हैं। और बिल्कुल एक डंबल का सेट मैं यूज़ करता हूँ, उससे 8 to 10 एक्सरसाइजेज मैं करता हूँ। पूरा शेड्यूल्स आज के सेशन में डिस्कस करूँगा और साथ में आपको जाते जाते दिखा के जाऊँगा कुछ ग्लिप्स ऑफ माय डेली एक्सरसाइज रूटीन। सो सबसे पहले बात करें तो 2 किलोमीटर का कार्डियो है, जो कि बाहर में करता हूँ। उसके बाद पुशअप्स होते हैं, जो कि ग्राउंड में होते हैं। उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है डंबल से एक्सरसाइज। अभी मैं घर पे ही करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, जब एक्सरसाइज की बात आ ही रही है। सो यहाँ पे आपको मेरी एक पिक दिख रही होगी, ये मेरी पिक है स्कूल टाइम की, जब मैं बहुत ही ज़्यादा दुबला, अब भी वैसे दुबला पतला हूँ, अभी भी कोई बॉडी बिल्डर तो नहीं हूँ, बट उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा स्लिम था मैं। तो उसके बाद आई हैव स्टार्टेड जिम इन 2014 के अंदर, 2014 नवंबर दिसंबर में मैंने जिम स्टार्ट किया था। उसके बाद कंटिन्यूसली 4 to 5 ईयर मैंने जिम किया, बट जिम का मतलब ये नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ फिटनेस, और फिटनेस के पर्पज़ के लिए मैंने जो है जिम ज्वाइन किया था। अराउंड 5 to 6 ईयर्स मैंने जिम किया। देन 2019 में कोविड आया, और कोविड के बाद मैं जिम बंद हुए, उसके बाद जो शेड्यूल था वो पूरा बंद हुआ, और उसके बाद 2-3 साल का गैप हो गया था। बट अभी 2 से 3 महीने से आई एम स्ट्रीमलाइन, दोबारा से मैंने अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड किया है एक्सरसाइज को। सो ये मेरा बैकग्राउंड था। सो काफ़ी जिम मैंने की हुई है, बहुत सारी एक्सरसाइज आप मेरे से सीख सकते हो। आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज के बारे में बताऊंगा। एक डंबल सेट खाली मेरे पास रखा हुआ था, तो उस एक डंबल सेट से 8 से 10 एक्सरसाइज मैं करता हूँ। अभी मैं होम से, वर्क फ्रॉम होम नहीं, जिम फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ। बाकी देखेंगे टाइम के साथ, अगर मौका बना तो जिम को भी दोबारा से ज़रूर ज्वाइन करेंगे, और आपको जिम की वीडियोज भी दिखाऊंगा। जिम की वीडियोज मेरी पुरानी भी काफ़ी सारी पड़ी हुई है, इंस्टाग्राम चैनल पर जाके अगर आप देखना चाहते हो जरूर देख सकते हो। बट आज के सेशन में घर में रह करके किस तरीके से आप कर सकते हो, तो कार्डियो और चेस्ट जो है वो मैंने आपको बता दी, उसकी वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड की थी। सो वो मेरा स्टार्टिंग में होता है, 1 घंटे का वो होता है। उसके बाद मैं जिम फ्रॉम होम या एक्सरसाइज फ्रॉम होम जो है वो एक डंबल सेट के साथ में करता हूं। तो वो आज के सेशन में आपको दिखाने वाला हूं, पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। साथ के साथ मैं आपको गाइड करता चलूंगा किस तरीके से वो एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करता हूं, सो दैट आप भी, क्योंकि जब एज अ प्रोफेशनल हमको बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो वो प्रेशर रिलीज करने के लिए 1 से 2 घंटे आपको अपने लिए भी ज़रूर देने चाहिए। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था हेल्थ इज़ वेल्थ, और इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा इन वर्ड्स को, इन लाइन्स को, क्योंकि जब हेल्थ, जब अंदर से बॉडी बोलती है ना, तब हमको पता चलता है। जब सब कुछ अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन जब एक बार बॉडी में दिक्कत आ जाती है, फिर हमको पता चलता है कि भाई वेल्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉरी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, वेल्थ तो जो है वो बनती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए चलते सीधा, बहुत होगी बातें, चलते सीधा आपको लेके चलता हूँ अपने सेशन की तरफ, और करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। बेसिकली कोई एजुकेशन सेशन नहीं है, आज का सेशन होने वाला है ट्रेनिंग सेशन का। चलिए ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को और एंजॉय कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और ये फर्स्ट काइंड ऑफ वीडियो जो कि मैं फिनटेक्स प्रो दिमाग में चल रहा था, विवेक अवस्थी चैनल पर डालने वाला हूँ, इसी तरीके की अपनी पर्सनल ब्लॉग जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे चैनल विवेक अवस्थी के ऊपर, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी डंबल शोल्डर प्रेस की, जिसके हम 3 सेट्स मारेंगे। 5 kg के डंबल हैं, 30 to 50 रेपिटेशंस हम यहाँ पर करेंगे। सो 3 सेट करेंगे, शोल्डर के लिए बहुत ही परफेक्ट एक्सरसाइज होती है डंबल शोल्डर प्रेस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड एक्सरसाइज, शोल्डर फ्लाई। बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज शोल्डर के लिए, जो राउंड शोल्डर्स होते हैं ना वो निकल के आते हैं आपकी इस एक्सरसाइज से। 3 सेट हम करेंगे शोल्डर फ्लाई के, 5 kg के हमारे डंबल्स हैं, 50 to 20 रेपिटेशंस हम करेंगे तीनों ही सेट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारी डंबल डेडलिफ्ट जो है, ये बहुत ही एक्सरसाइज आपकी बैक के लिए एक्सरसाइज होती है, आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज होती है। 3 सेट्स करेंगे हम, 20 to 30 रेपिटेशंस करेंगे
डंबल डेडली। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. And guys, next हमारा ट्राइसेप एक्सटेंशन है, बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप्स के लिए। तीन सेट हम करेंगे, 20 टू 30 रेपिटेशंस करेंगे हम यहाँ पर दोनों हैंड से। नेक्स्ट गाइज हमारी डंबल कर्ल्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ल्ड वाइडली जो है बाइसेप्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज डंबल कर्ल्स। तीन सेट्स करेंगे हम, 30 टू 50 रेपिटेशंस, वेट हमारा सेम 5 केजी रहेगा। यहाँ पे आप बोथ हैंड का भी यूज कर सकते हो और वन हैंड का भी यूज कर सकते हो, बोथ हैंड वाला वैसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज गाइज हमारी आती है डंबल हैमर कर्ल की। तीन सेट्स हम मारेंगे हैमर के, 30 टू 50 रेपिटेशंस, वैसे 30 टू 50 नहीं, 20 टू 30 रेपिटेशंस लगती है यहाँ पर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज डंबल हैमर कर्ल, जरूर इसको यूज कीजिए। लास्ट हमारी कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स है, उसके भी हम तीन सेट्स मारेंगे 20 रेपिटेशंस के, बहुत बढ़िया आपका जो राउंड गोला गोल होने वाला है और वो बहुत अच्छे। Doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code, it's not about salary, it's all about reality, make a story.